आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और इस बात में कोई शक नहीं कि इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। तो अंदाज़ा कीजिए कि शान मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की इतनी बड़ी है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे हैं। उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान की कुर्बानी दी, किसकी खातिर? हमारी खातिर, इस्लाम की खातिर। और आज उनके नाम से लोग कुर्बानियाँ देते हैं इस नीयत से कि वो हमसे राज़ी हो जाएँ, क्योंकि वो जन्नत के सरदार हैं तो हमें भी जन्नत मिल जाए। ऐसे ही दो मेहमान बड़े प्यारे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, रिदा नकवी एंड सलीम रजा। इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है हु इज हुसैन। सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत नाम रखा। वेलकम टू दुनिया बोल है। और आप बड़े मिशन पे निकले हैं, बताइए दोनों। हाँ जी, और ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, तो आप खुद बताएं कि क्या है ये मिशन आप लोगों का। बेसिकली हु इज हुसैन इस वक्त पूरी दुनिया में 60 से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रहा है, और पाकिस्तान में तकरीबन 15 से ज्यादा सिटीज हैं जिसके अंदर काम कर रहा है। ठीक है, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं हु इज हुसैन के पास, जिसके अंदर एजुकेशन से रिलेटेड भी काम हम कर रहे हैं, हम बिजनेस सपोर्ट से रिलेटेड भी काम कर रहे हैं, और मुख्तलिफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम टाइम टू टाइम कर रहे होते हैं। लेकिन इस दफ़ा हु इज़ हुसैन ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे एटलीस्ट कुछ अवेयरनेस पहुँचे लोगों की तरफ, ख़ास तौर पर ब्लड डोनेशन के हवाले से। तो हमने इस वक्त कोशिश हमारी है कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं, और तकरीबन 50 से ज़्यादा खून के अतियात हम एक दिन में रहें पूरी दुनिया से। ठीक है, तो इस हवाले से हम 50,000 पूरी दुनिया से तो इसी तरह हर कंट्री का अलग अलग टारगेट है। पाकिस्तान का तकरीबन 7 से 10 हज़ार का टारगेट है जो कि हम कोशिश कर रहे हैं। कितने कंट्रीज? पूरी दुनिया, 60 सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड बेसिकली। और हमारा जो एक मेन जो फोकस है वो है कि हम जो इमाम हुसैन इब्ने अली की जो ज़ात है वो हमारी जो है वो एक इंस्पिरेशन है, वो हमारा रोल मॉडल है, उनकी जो वैल्यूज़ हैं हम उन्हें आगे लेकर चलते हैं। हु इज़ हुसैन पूरी बेस्ड इस चीज़ पे करती है कि जो ज़ात हुसैन इब्ने अली ने हमें सिखाया है हम उसे आगे लेकर चलें, क्योंकि अगर हम उनकी पर्सनैलिटी को देखें तो वो इट्सेल्फ एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनैलिटी है, एक जमीयत है अपने अंदर ही। तो हम उनकी कुछ वैल्यूज़ को लेकर चलते हैं जिसमें सोशल जस्टिस है, इंसानियत का दर्स है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो बिला तफरीक करते हैं, हम किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट नहीं करते। हमारा काम जो है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज होता है, हम इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं है, क्योंकि हुसैनियत का पैगाम जो है वो इंसानियत का पैगाम है, और यही जो है वो मोटो है हु इज़ हुसैन का, और के इमाम हुसैन की लेगेसी को हम आगे लेके चलें। बहुत खूब। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जो ये ब्लड डोनेट आप सेंटर आपका है, तो ये जगह जगह शहरों में हर जगह मौजूद है, वहाँ से लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड मिल जाता है जो भी ज़रूरतमंद होते हैं। वेयर वुड द ब्लड गो? Exactly. और ब्लड कलेक्शन कैसे हो? अच्छा, इस हमारी पूरी कैंपेन में जो पाकिस्तान के टॉप मोस्ट ब्लड बैंक्स हैं, जिसके अंदर हुसैनी ब्लड बैंक आ गया, इंडस हो गया, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया हो गया, उमर सना फाउंडेशन हो गया, और बहुत सारे जितने भी ब्लड बैंक्स हैं वो सारे हमारे साथ पार्टनर हैं, हमारे साथ लाइजॉन उन्होंने किया हुआ है, और जहाँ जहाँ भी ब्लड डोनेशन होंगी वही ऑर्गेनाइजेशन आएंगी। हमारे साथ कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी है, हमारे साथ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वो सारी जगहों पर हमने अपने पॉकेट्स बनाए हुए हैं, हम कैंप्स लगा रहे हैं हर एरिया में, और जो जो भी हमारे पास रजिस्टर्ड है उनको हम प्रॉपर मैसेजेस कर रहे हैं कि आपका 27th ऑफ अगस्त को, बेसिकली ये हमारा डेट है सैटरडे, और हम उनको मैसेजेस कर रहे हैं टाइम टू टाइम फॉलोअप के लिए कि आप आएं और ब्लड दें। रजिस्ट्रेशन करवानी है जी, बेसिकली इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है पूरा, और वैसे तो हमारे कैंप्स लगे हुए हैं, और जो वहाँ कैंप तक नहीं आ सकते तो हमारा नंबर है जो कि स्क्रीन पे ऑलरेडी आ जाएगा, तो लोग वहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, और इन केस अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते तो हमें कॉल कर लें। उसके अलावा हमारे पास और भी नंबर बता सकते हैं, अपना क्या नंबर है आपका जिसका रजिस्ट्रेशन लोग करवाना चाहें, ब्लड डोनेट करना चाहते हैं वो? अच्छा जी, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं जी, हमारा नंबर है 03618650522। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 03618650522। इस पर आप SMS या WhatsApp कर सकते हैं ब्लड लिखकर, ओनली जस्ट आप ब्लड लिखें, आपको सारी डिटेल्स आ जाएगी, आपको हमारा नुमाइंदा कॉल करेगा और आपसे आपका एड्रेस पूछेगा, आप जहाँ पर भी होंगे वहाँ का नियरेस्ट कैंप लोकेशन आपको बता देगा, और आप उस दिन जाके ब्लड दे सकते हैं। करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड इस पे क्या ब्लड डोनेशन का जिसको आप तोड़ना चाह रहे हैं? करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड तकरीबन 35,000 है, और ये इंडिया का एक शहर है उसमें उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। अब हम इस वक्त हमारी रजिस्ट्रेशन कहाँ पर है?
हम तकरीबन अराउंड पाकिस्तान से अगर हम बात करें तो मोर देन 5000 हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई हैं। हाँ जी, और वैसे हम पूरी दुनिया से, क्योंकि एक ही उस पर से काम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म से, तो इंशाल्लाह कोशिश ये है हमारी कि हम उसको टारगेट अचीव कर लें। अब पूरी दुनिया में 27 अगस्त का दिन ही आप लोगों ने 27 अगस्त किया है जिसमें सब लोग ब्लड डोनेट करेंगे एक ही दिन में। और आपकी सिटीज, फॉर एग्जांपल मैं डिफेंस लिफ्टिंग की तरफ मेरी रिहाइश है तो मेरे लिए कौन सा करीब पड़ेगा आपके सेंटर? आप जो है हमारा एक लिंक मौजूद है और जो हमारा नुमाइंदा आपसे रابطہ करेगा तो वो आपको आपकी नियरेस्ट कैंप साइट बता देगा। तकरीबन 50 से ज्यादा या तकरीबन 50 अराउंड 50 हमारी कैंप साइट जो है वो इस वक्त सिर्फ कराची में मौजूद है। स्टैंडर्ड्स ऑफ योर कैंप साइट, इट्स लाइक हम सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, हाइजीन स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल हमने सारी एसओपी को हम फॉलो करें क्योंकि डोनर की जो सेफ्टी है या डोनर की जो हेल्थ है इट कम्स ऑलवेज फर्स्ट। तो हम प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे बिकॉज हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनकी प्रॉपर ब्लड की स्क्रीनिंग नहीं हो पाती तो वो थोड़ा हेजिटेट भी होते हैं। बिकॉज हमारे पास कुछ क्वेरीज आई हैं जिसमें लोगों ने कहा कि आई फील वीक सो कैन आई डोनेट ब्लड, और मैं मेडिकेशन पे हूँ या मेरी पहले हिस्ट्री ऐसी रही है कि मेरी तबीयत कुछ ऐसी रही है, उसने अपनी कोई जो है वो डिजीज़ रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि लोग अपनी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं करवा पाते, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होती। तो जब भी हमारे पास कोई डोनर 27 अगस्त को आ रहा होगा तो उसके ब्लड की पहले प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ही जो है वो उसका हीमोग्लोबिन लेवल आप एग्जैक्टली देयर इज 12.5 और जो है वो एक स्टैंडर्ड है कि 12.5 HB लेवल होना चाहिए और 50 वेट होना चाहिए। तो ये जो है जो भी इस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा होगा और जो भी स्क्रीनिंग जिसकी परफेक्ट आ जाएगी तो वही जो है वो डोनेट। मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि अभी आपने कहा कि बहुत सारे डोनर्स को ये सवाल होता है, उनको कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि अगर वो किसी एंटी एलर्जी पे हैं या फिर किसी एंटीबायोटिकल्स पे हैं क्योंकि सब वायरल भी चल रहा है, मौसम भी ख़राब है, वो देना भी चाहें ब्लड तो वो नहीं दे सकते क्या? अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं इस तरह की, या फिर ब्लड प्रेशर की रेगुलर मेडिकेशन पे हैं या फिर आप डायबिटीज की मेडिसिन, बेसिकली इसके लिए जो है वो यही कहा जाता है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें बिकॉज डॉक्टर नोज बेटर कि आप किस किस्म की मेडिकेशन पे, क्योंकि ये एक पार्शियल इसके ऊपर जो है वो ओपिनियन है कि क्योंकि सम डॉक्टर सेज के मैंने रिसर्च की थी बिकॉज वी वर हैव बीन डूइंग ऑल ऑफ दिस प्रोसीजर, तो हमने ये रिसर्च की थी, तो जो लोग मेडिकेशन पे, उसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि वो किस किस्म की मेडिकेशन पे हैं, आइदर दे कैन डोनेट और नॉट, ये डिपेंड करता है कि उनकी कंडीशन क्या है और उनकी मेडिकेशन क्या है। तो आपके कैंप में डॉक्टर्स वगैरह मौजूद हैं? लीस्ट ये नाम आपने क्यों रखा, हु इज हुसैन? बेसिकली गुड क्वेश्चन एक्चुअली, और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। बेसिकली हु इज हुसैन, वैसे तो सब वो तो मेरी बहन ने बता दिया कि उनके अफकार, उनके तरीके कार ऐसे थे कि आज मुसलमानों को अपनाने चाहिए, इसलिए आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि यार दिस इज हाउ ही टोल्ड अस टू लीड आवर लाइफ। यस, पर हु इज हुसैन से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है लोगों को शायद मालूम भी नहीं है कि मौला हुसैन अलैहि सलाम कितनी शान वाले हैं। बेसिकली असल जो हमारा मकसद है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी हम काम करते हैं वो काम करते हैं बेस्ड ऑन इंसानियत, ह्यूमैनिटी ऑफकोर्स। और मेरे ख्याल से अभी तक हमें हुसैन इब्ने अली से बेहतर मिसाल इंसानियत पर काम करने की, क्योंकि यहां पर हम बिला तफरीक रंग और नस्ल काम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि वी ऑल ब्लीड द सेम कलर, हम किसी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जो भी ब्लड इनफैक्ट हमारे पास जो आ रहा है हमें नहीं पता ही इज फ्रॉम आर क्रिश्चियन फैमिली, फ्रॉम हिंदू फैमिली और फ्रॉम मुस्लिम फैमिली। और वो ब्लड एक ऐसी चीज है, मैं फिर इस चीज को फोकस करूंगा कि ये हम कहीं भी कुछ भी हो जाए हम इसको कहीं से बना नहीं सकते, मतलब कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकते इसके, हम कोई सुभान अल्लाह मौला हुसैन अलैहि सलाम के दरवाजे पे हिंदू भी अलम उठा के आते हैं, मसीहा क्रिश्चियन कम्युनिटी अलम उठा के आते हैं और सब मानते हैं मौला हुसैन अलैहि सलाम। यही इंसानियत के पैगाम को हमने बेस रखते हुए हु इज हुसैन का है, ताकि लोगों को पता चले कि इंसानियत बेसिकली कहां से है। रिदा नकवी, सलीम रजा, ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। इंशाल्लाह मैं आऊंगा आपके पास ब्लड डोनेट करने, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे हमारे मुसलमान भाई जरूर आगे बढ़ेंगे ताकि हु इज हुसैन का नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो, ऑफ कलेक्टिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ ब्लड इन वन डे। 50,000 का इनका टारगेट है जो हम इंशाल्लाह जरूर अचीव करेंगे 27th August सैटरडे को। और नंबर जो है वो अभी इंशाल्लाह स्क्रीन पर भी आ जाएगा, हमारे सोशल मीडिया पर भी हैंडल पे आ जाएगा, डू कॉन्टैक्ट देम, रजिस्टर योर सेल्फ, डोनेट योर ब्लड। बहुत अच्छा काम है। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। वर्दा आप कहीं जाएंगी तो नहीं? मैं कहीं नहीं जा रही, आप भी कहीं जाइएगा।